जी पुरवैया में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी की, जहां पर एक और आगाज करने वाले हैं आज मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के महू का दौरा करेंगे। यहां पर पीएम मोदी अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 12:55 पर इंदौर पहुंचेंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर से महू जाएंगे। मोदी दोपहर 1:30 से 2:30 तक अंबेडकर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उसके बाद दोपहर 3:05 पर वो इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और विमान से दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही आज से राष्ट्रीय ई कृषि बाजार का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए एनएमएम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की 21 थोक बिक्री मंडियों में ई पोर्टल का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस व्यापक मंच के माध्यम से उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। मार्च 2018 तक इसमें देश भर के कुल 585 थोक कृषि उत्पाद मंडियों को राष्ट्रीय ई कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य है। अगर बात करते हैं बिहार के, जहां पर बिहार में शराबबंदी के बाद ताड़ी पीने और बेचने पर पाबंदी गई है और सरकार ताड़ी पर अब रोक लगाने के बाद इससे जुड़े लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ताड़ी को उद्योग का दर्जा देने की पूरी तैयारी कर चुका है। आखिर क्या होगा ताड़ी उद्योग में, कैसे फायदा मिलेगा ताड़ी उद्योग से जुड़े लोगों को, इस बारे में बात की उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो गई है, ताड़ी पर भी रोक है, लेकिन बिहार सरकार ने एक नया फैसला लिया है, ताड़ी को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। आखिर ताड़ी को उद्योग का दर्जा कैसे दिया जाएगा और क्या कुछ होगा इस उद्योग में, ये जानना बेहद दिलचस्प है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर जय कुमार सिंह जी। जय कुमार सिंह जी, ये ताड़ी को उद्योग का दर्जा, ये कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, चूंकि हम लोगों ने एक निर्णय लिया पिछले सप्ताह जो हमारी कैबिनेट हुई है, उसमें बजाबते हम लोग मंत्रिपरिषद से पास करा लिया, चूँकि उनके उत्पादों से संबंधित उद्योग लगे, चूँकि उसमें जो उस रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं उनको आर्थिक समृद्धि हो, उद्देश्य यही है कि भाई एक रोजगार करते थे उनकी रोजगार में और आर्थिक समृद्धि हो, उस पर आधारित हम उद्योग लगाते हैं और समेकित करके, चूँकि एक उनके जूस से निकलेगा उसको हम प्रोसेसिंग करके हम नीरा बनाएंगे, वो पूरी उसकी मार्केट दिख रहा है और उसकी जो पेड़ पत्ते हैं उससे बहुत छोटी छोटी है, माइक्रो लेवल पर उसमें डलिया बनता है, कुछ चटाई बनता है। प्रोसेस कैसे होगा, पेड़ से उतरा ताड़ी उसके बाद फिर आप लोगों की टीम होगी, क्या कैसे प्रोसेस कैसे होगा? देखिए, वो एक साल में 4 महीने तक ये प्रोसेस चलता है जो उसका प्रोडक्शन का, हम 4 महीना तक उसको कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी पर आधारित उद्योग होगा और उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके मार्केट में उसको सप्लाई करेंगे। तो इनकी जो रोजगार जितना वो अर्न करते रहे उससे अधिक अर्न करे, इसकी उपाय सरकार कर रही है। लेकिन ताड़ी के उद्योग से वैसे तबकों को फायदा होगा जो अब तक बहुत मुश्किल से अपने घर के रोजगार चला, बिल्कुल वो सिर्फ जीविकोपार्जन अब नहीं है, उससे उनकी समृद्धि होगी, क्योंकि अभी तक तो जीविकोपार्जन में कड़ी मेहनत, इसलिए सरकार ने इस पर बड़ी गहराई से विचार किया और हम लोगों ने इसको उद्योग में शामिल करके माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले कैबिनेट में इसको बजाबते हैं मंत्रिपरिषद से पारित भी करा लिए हैं और अगली साल तक ये पूरी तरह से प्रोडक्शन में आएगा। तब तक के लिए सरकार लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किए है कि आपको रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा जिससे आप जीविकोपार्जन करते थे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर जय कुमार सिंह, कैमरामैन संजय के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना।
आगे बढ़ते हैं, बात हाजीपुर की, जहां पर हाजीपुर में भीषण आगलगी की घटना में झुलसकर एक महिला और उसकी दो बच्चियों की मौत हो गई। घटना है हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के चांदी गांव की। बताया जा रहा है कि डिबरी के गिर जाने की वजह से घर में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और देखते देखते 20 घर इसकी वजह से जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान राम मूर्त पासवान की पत्नी मुंचुन देवी और उसकी दो बच्चियों की आग में झुलसकर मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेल एक और बेहतरीन सेवा शुरू करने जा रहा है। आपको याद होगा इस बार के रेल बजट भाषण में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्रेन में यात्रा के दौरान घर जैसा खाना देने का भरोसा दिलाया था। प्रभु के उसी सपने को अब आकार दिया जा रहा है, इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट इसके लिए तैयार किया जा रहा है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन में सफर के दौरान घर का बना हुआ खाना मिल जाए तो क्या बात है। तो हम आपको बता दें कि ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट के दौरान किए गए अपने वादों को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। लोकल कुजीन ऑफ चॉइस विल बी मेड अवेलेबल टू द पैसेंजर्स, एडिंग 10 मोर आईआरसीटीसी ऑपरेटेड मैकेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड बेस किचन टू इंश्योर फ्रेश एंड हाइजीनिक सप्लाई ऑफ फूड ऑन ट्रेन। प्लान कुछ इस तरह है, रेल में यात्रा के दौरान घर में पका खाना स्वयं सहायता समूह मुहैया कराएंगे। रेलवे के मुताबिक महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पायलट योजना शुरू कर दी गई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह रेल यात्रियों को स्थानीय घर का पका खाना सप्लाई करेंगे। हमने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के साथ भागीदारी में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह के किसान रेल यात्रियों को घर में पका स्थानीय भोजन मुहैया कराएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के लिए कोंकण क्षेत्र के कुदाल और सावंतवाड़ी स्टेशनों को चुना गया है। रेल यात्री यात्रा के दौरान खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। घर का बना हुआ खाना सप्लाई करने का पायलट प्रोजेक्ट केरल में भी लॉन्च किया गया है। तैयारी अब पूरे देश में लागू करने की है। इससे पहले IRCTC ने 71 नामी ब्रांड के रेस्टोरेंट और फूड चेन वाली कंपनियों से टाई अप किया है, जो आपकी सीट तक आपकी पसंद का खाना पहुंचाएंगे। तो अगली बार जब ट्रेन में सफर की तैयारी करेंगे तो घर का पका अच्छा खाना खाइए और रेलवे के गुण गाइए। परम प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको सजगता की एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ट्रेन में GRP का एक जवान अवैध वसूली कर रहा था, उसी दरमियान एक यात्री ने मोबाइल में उसके कारनामे को रिकॉर्ड कर लिया और रेल मंत्री के सोशल साइट पर डाल दिया। उसके बाद रेल मंत्रालय ने उस पर फौरन एक्शन लिया। लोकेशन सप्त क्रांति एक्सप्रेस। स्टेशन इलाहाबाद बमरौली के पास। क्या हो रहा है वर्दी में वसूली का खेल? कहानी क्या है आपको अंदाजा हो गया होगा, अब तफसील से सुनिए और देखिए। मजबूत कंधे पर अपना सर्विस हथियार टांगे GRP का एक सिपाही काम पर है। ड्यूटी तो यात्रियों की सुरक्षा की लगी थी, लेकिन फिलहाल पूरा फोकस लक्ष्मी को जेब का रास्ता दिखाने पर है। देखिए कैसे ये सिपाही यात्रियों से सीट के बदले पैसे वसूल रहा है, कैसे गर्दन के इशारे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, तो कभी ऊपर बैठे पैसेंजर से एक एक करके रुपए ले रहा है। सिपाही के तेवर, बातचीत का तरीका, खुलेआम रुपए लेकर जेब में डालना साफ बता रहा है कि वसूली का ये काम भी ड्यूटी की तरह रोजाना किया जाता है। अच्छी कद काठी, देखने में स्मार्ट, इस सिपाही को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उसकी ये करतूत आज एक स्मार्टफोन में कैद हो रही थी। वो पूरे इत्मीनान से
मोबाइल से ली जा रही तस्वीरों से बेखबर होकर वसूली कर रहा था। बस सिपाही का बुरा वक्त इस वीडियो के बनने के बाद उस वक्त शुरू हुआ जब वीडियो बनाने वाले युवक ने इस वीडियो को रेल मंत्री सुरेश प्रभु को टैग करके ट्वीट कर दिया। फिर क्या था, रेल मंत्रालय तुरंत हरकत में आ गया। ये पूरा वीडियो यूं तो करीब 2 मिनट 50 सेकंड का है, लेकिन कोनिक गौर नाम के युवक ने वर्दी वाले गुंडे का सिर्फ 20 सेकंड का ही वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो पोस्ट करने वाले युवक से रेलवे ने तुरंत संपर्क किया। उत्तर रेलवे ने कुनिक से ट्रेन का नाम पूछा, जगह पूछी और खुद भी पड़ताल में जुट गई। ज्यादा वक्त नहीं लगा, पता लगा लिया गया कि डेली पैसेंजर से रोजाना वसूली करने वाला यह जांबाज गाजियाबाद जीआरपी में तैनात अमित मलिक है। पता चला कि ये जीआरपी का है, जीआरपी स्टेट गवर्नमेंट का जनरल रेलवे पुलिस होता है, तो हम लोगों ने उस आदमी को आइडेंटिफाई करके और उसको कोऑर्डिनेट करके उनके यहाँ कंप्लेन लॉज कराया और जिसके चलते इनको सस्पेंड भी इमीडिएट इफेक्ट से कर दिया गया है। रेलवे ने इस कार्रवाई के बाद शिकायत करने वाले कोनिक गौर के ट्विटर हैंडल पर उन्हें ये जानकारी दी कि इस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ये भी बताया कि कौन कौन सी धाराओं पर केस दायर किए गए हैं। इनके अगेंस्ट में 346/2016 अंडर सेक्शन 384 आईपीसी एंटी करप्शन एक्ट के अंतर्गत केस किया गया है, एफआईआर लॉन्च की गई है, 29 पुलिस एक्ट के अनुसार के अंतर्गत भी एफआईआर लॉन्च की गई। शिकायत करने वाले कुनिक ने भी तुरंत एक्शन लेने के लिए रेलवे को ट्वीट करके धन्यवाद कहा। वीडियो 3 अप्रैल की रात का है, 8 अप्रैल को ट्वीट के जरिए पोस्ट किया गया और एक हफ्ते के अंदर आरोपी सिपाही सस्पेंड हो गया और टर्मिनेशन की कार्रवाई चल रही है। ये पहला मामला नहीं है जब किसी रेल यात्री ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को टैग करके शिकायत की हो और तुरंत सुनवाई हुई हो। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए रेल यात्रियों की शिकायत पर कार्रवाई के लिए रेल मंत्री और उनका मंत्रालय बधाई का पात्र है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते खबरों में, सरकार की ओर से बार बार कहा गया कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन सवाल यह है कि इस दावे पर अगर सत्ताधारी दल के विधायक ही सवाल उठाने लगे तो आम आदमी कैसे एतबार करे। जब मैं एक विधायक होते हुए हमारी बहन सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बहन, आम लोगों की बहन कैसे सुरक्षित रह सकती है। अगर नहीं, अगर प्रशासन कुछ करेगी तो मुझे मजबूरन अनशन पे जाना पड़ेगा। अनशन से भी नहीं मानेंगे तो मैं अपने आत्मदाह करूंगा। मुझे पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। ये दर्द किसी आम आदमी का नहीं, बिहार में कानून के राज पर सवाल कोई आम आदमी या विरोधी नहीं उठा रहा। बिहार पुलिस पर से भरोसा उठ जाने की बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा। ये एक विधायक है, वो भी सत्ताधारी दल आरजेडी विधायक सरोज यादव, जिनकी बहन को अपराधियों ने छेड़खानी का विरोध करने पर इस कदर पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आरजेडी विधायक सरोज यादव को भी कहना पड़ा कि उनका भरोसा पुलिस से उठ चुका है। उस हत्यारे को जिसके वजह से मेरे घर में इस तरह की मातम, मेरे बहन की घर में मातम छाई है, मैं उसको फांसी दिलवाने के लिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूं और पूरे बिहार की जनता से और पूरे देश की जनता से मैं गुहार लगाता हूं, कैसे हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने के लिए आप लोग मेरा मदद करें। पुलिस ने आपका आश्वासन दिया, क्या विश्वास है आपको? मुझे पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। इस वारदात के बाद विधायक सरोज यादव ने इंसाफ की गुहार लगाई है और इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी है। साथ ही बिहार में कानून राज के दावों पर भी सवाल उठा दिया है। जब मैं एक विधायक होते हुए हमारी बहन सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बहन, आम लोगों की बहन कैसे सुरक्षित रह सकती है। अगर नहीं, अगर प्रशासन कुछ करेगी तो मुझे मजबूरन अनशन पे जाना पड़ेगा। अनशन से भी नहीं मानेंगे तो मैं अपने आत्मदाह करूंगा कि और मेरे बहन बेटियों के साथ। हमेशा आए दिन मैं देखता हूं कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बहन और बेटी और माँ के साथ इस तरह का घटना घटता है। विडंबना देखिए, आरजेडी विधायक के इस सवाल को सरकार में आरजेडी के सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता फालतू बताते हैं।
एक एक घटना पर रोज एब्यूज करना, सवाल है ना कि कानून तोड़ने वाले को कानून के हवाले करना, ये बिहार में बरसों से, जब से हमारी सरकार तब से, ये फालतू बात है। एक घटना को इतने बड़े पैमाने पर, हर घटना को वो जो करते हैं वो राजनीतिक मकसद है। बिहार में जंगल राज का आरोप मढ़ने वाले बीजेपी नेता एक बार फिर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राजद के एक प्रमुख विधायक सरोज यादव, उनकी बहन की मृत्यु हो जाए अपराधियों की चोट से, अपराधियों के हमले से, और वो भी छिड़कानी से जुड़ा मामला, तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। और अब पूरी पुलिस जो शराबबंदी में लग गई, अब उनको अपराध रोकने की कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी हनक खत्म हो गई, उनका नियंत्रण पुलिस पर से खत्म हो गया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आरजेडी विधायक का सवाल लाजमी है। अगर जनप्रतिनिधि का परिवार सुरक्षित नहीं और जनप्रतिनिधि का भरोसा पुलिस पर से उठ जाए, तो फिर आम आदमी कैसे कानून राज के दावों और पुलिस पर यकीन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट से बिहार के शराब कारोबारियों को राहत मिली है। शराब का स्टॉक रखने वालों पर फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो स्टॉक का बिवरेज कॉरपोरेशन के पास पड़े हैं, उन्हें विदेशी शराब निर्माता कंपनियों को वापस लेने के लिए फिलहाल बाध्य नहीं किया जाए। मामले में 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि बिहार में कैबिनेट के फैसले के बाद 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिसके तहत राज्य में सभी तरह के शराब पीने बेचने पर पूर्ण शराबबंदी लगा दी गई है। पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी के मामले में सरकार को शराब व्यापारियों के स्टॉक को तोड़ने फोड़ने से रोक लगा दी है, और अगली सुनवाई इन सभी केसों की 19 तारीख को फिक्स की है। और शराबबंदी को लेकर सरकार अपने स्तर से तो कार्यक्रम चला ही रही है। जेडीयू भी अब सरकार के इस अभियान में सक्रिय हो गया है। आज जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में शराबबंदी को लेकर एक वीडियो शूट किया जाएगा, और इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक बेटी किस तरह से अपने पिता को शराब नहीं पीने की अपील कर रही है। जेडीयू कार्यकर्ता इस वीडियो को बिहार के गाँव गाँव में दिखाएंगे और शराब के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। नहीं, सरकार के तरफ से वो तो सरकार का काम है, लेकिन पार्टी अपने स्तर से सीडी बना के, अपने स्तर से यूट्यूब पर, अपने स्तर से हम जिला में, संगठन में, प्रखंड में, बूथ स्तर पर इसको हम लोग बना के भेजेंगे, ताकि अवेयरनेस का प्रोग्राम है इसे जन जन तक जाए। और दूसरी तरफ बिहार में पूर्ण शराबबंदी ठीक तरीके से लागू हो सके, इसके लिए रेल पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पटना के रेल एसपी जितेंद्र मिश्रा ने अपने जोन के तमाम रेल एसएचओ का क्राइम मीटिंग किया, और इसमें रेल एसपी ने साफ शब्दों में यह कहा है कि यदि कोई भी नियमों के खिलाफ कदम उठाता है तो उसके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। बात अगली खबर की, जहां पर पूर्णिया प्रमंडल में अत्याधुनिक तकनीक से लैस सभागार का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इससे पहले प्रमंडल कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण किया, जिसके बाद 7 निश्चय का प्रमंडलीय स्तर पर सीएम ने उसकी समीक्षा की। वहीं इस मौके पर प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम एसपी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री के साथ संबंधित विभागों के प्रधान सचिव भी मौजूद थे। रिफनेश्वर नाथ रेणु की 39वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी जन्मस्थली फारबिसगंज के औराही हिंगना गांव में रेणु स्मृति उत्सव का आयोजन किया गया। इसके समापन में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। यहां पर फनेश्वर नाथ रेणु की समाधि स्थल पर सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में फनेश्वर नाथ रेणु के बेटे और पूर्व विधायक पदम पराग रोय वेणु ने उन्हें रेणु स्मृति चिन्ह और साथ ही शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और मैला आंचल उनकी प्रसिद्ध कृति है।
और अब बात नवरात्र की। चैत नवरात्र की महाअष्टमी पर मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। खास करके महागौरी की पूजा और खुचरा भरने के लिए प्रथा की वजह से आज पूजा पंडालों में महिलाओं की भीड़ ज्यादा दिख रही है। और आज मेष संक्रांति है, इसे सतुवानी के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पटना सिटी के गाय घाट और भद्रघाट पर पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और अपने परिवार के सुख शांति की कामना की। पौराणिक परंपरा के अनुसार रबी फसल के तैयार होने पर किसान भगवान को सत्तू और गुड़ का भोग लगाते हैं और दान देते हैं।